नमस्कार, मैं हूं खुशी लाल और आप देख रहे हैं न्यूज लाइन। दिन भर की खबरों को जानने से पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। कोरोना के बढ़ते वेव के बावजूद वनांचल कॉलेज में चल रहा इंटरमीडिएट की प्रैक्टिकल परीक्षा। झारखंड सरकार और जिला प्रशासन ने कर दी है तमाम परीक्षाएं स्थगित। बावजूद इसके कोरोना गाइडलाइन की अवहेलना करते हुए एक बेंच में 5 से 6 परीक्षार्थियों को बैठाकर ली जा रही है परीक्षा। वैश्विक महामारी कोरोना की दूसरी लहर को देखते हुए जिला प्रशासन गंभीर। DC SP ने सभी अनुमंडल क्षेत्र का लिया जायजा। धनवार में निकला फ्लैग मार्च, DC SP रहे मौजूद। BNSDAV पब्लिक स्कूल ने कराया ऑनलाइन इंग्लिश राइम्स प्रतियोगिता का आयोजन। नन्हे नौनिहालों की आकर्षक प्रस्तुति, उच्चारण तथा भावानुकूल कविता वाचन से निर्णायक मंडली हुए रोमांचित। और वैश्विक महामारी कोरोना के बढ़ते प्रकोप के बीच नहाए खाए के साथ शुरू हुआ लोक आस्था का पवित्र पर्व चैती छठ। कोरोना वायरस के संक्रमण से बचने के लिए कई भर्तियों ने रद्द किया छठ पर, नहीं दिख रहा उत्साह। अब खबरें विस्तार से। सदर प्रखंड के हरसिंह रायडी स्थित वनांचल कॉलेज में परीक्षा के नाम पर खुलेआम धजिया उड़ाते हुए कोरोना गाइडलाइंस की अवहेलना की जा रही है। कोरोना की दूसरी लहर को देखते हुए झारखंड सरकार और जिला प्रशासन ने छात्र छात्राओं के तमाम परीक्षाएं स्थगित कर दी हैं। लेकिन कॉलेज में एक बेंच में 5 से 6 परीक्षार्थियों को बैठाकर इंटरमीडिएट की प्रैक्टिकल परीक्षा ली जा रही है। वैश्विक महामारी कोरोना की दूसरी लहर को देखते हुए झारखंड सरकार और जिला प्रशासन ने छात्र छात्राओं के तमाम परीक्षाएं स्थगित कर रही हैं। लेकिन सदर प्रखंड के हरसिंह रायडी में अवस्थित वनांचल कॉलेज में परीक्षा के नाम पर मजाक किया जा रहा है। जिले में तेजी से फैल रहे कोरोना संक्रमण के बावजूद सरकार व जिला प्रशासन के जारी निर्देशों की खुलेआम अवहेलना की जा रही है। दरअसल जैक के द्वारा इंटरमीडिएट की प्रैक्टिकल परीक्षा को स्थगित कर दिया गया है। बकायदा इसे लेकर जैक ने नोटिस भी जारी कर दिया है, लेकिन इसके बावजूद गिरिडीह के वनांचल कॉलेज में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते हुए परीक्षा ली जा रही है, जिससे सरकार द्वारा जारी कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाते हुए छात्र छात्राओं के जीवन के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। इतना ही नहीं, इस कॉलेज में जमीन पर बैठाकर परीक्षा ली जा रही है। जब इस मामले में कॉलेज के उप प्राचार्य नवल किशोर साही से पूछा गया तो उन्होंने बेतुका बयान देते हुए कहा कि उनके पास अब तक कोई लेटर नहीं आया है, जिसके कारण वे परीक्षा ले रहे हैं। वहीं इनका दावा है कि परीक्षा में निर्देशों का पूरा पालन किया जा रहा है, लेकिन जो तस्वीरें हैं वह साफ बयां कर रही हैं कि किस तरह से परीक्षा के नाम पर नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही है। छूट रहा है, वो छुट्टी हो रहा है। निर्मल कुमार शाही है, मैं यहीं पर वाइस प्रिंसिपल हूँ इस कॉलेज का। मैंने प्रायोगिक परीक्षा शुरू होने के पहले सारे कमरों को सैनिटाइज कराया अच्छी तरह से, और स्टूडेंट्स को सोशल डिस्टेंसिंग के तहत मैं एग्जामिनेशन करवा रहा हूँ प्रैक्टिकल का, जिसमें सारे जैक के गाइडलाइन का यहाँ पर पालन हो रहा है। किसी तरह की कोई कुव्यवस्था व्यवस्था नहीं है। माननीय विधायक जी का हम लोग के ऊपर कड़ा निर्देश है कि किसी भी तरह से कोरोना से प्रभावित या कोई लड़का उससे कोई डिस्टर्ब नहीं हो, सारे सोशल डिस्टेंसिंग लेके सारे नियमों का पालन कराकर आप लोग एग्जामिनेशन कराइए जैक का, जिसका मैं ओके सर। किनारे किनारे जमुआ थाना क्षेत्र के गादी खुर्द में शुक्रवार को तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। तेज रफ्तार मारुति कार और बाइक में आमने सामने की टक्कर हो गई। हादसे में बाइक चालक की मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे में गंभीर रूप से घायल युवक को इलाज के हेतु गिरिडीह भेज दिया गया है। जमुआ थाना क्षेत्र के गादी खुर्द में शुक्रवार को हुई बाइक और मारुति के बीच आमने सामने की टक्कर में एक व्यक्ति की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। वहीं घटना में एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया,
घटना के बाबत बताया जाता है कि जमुआ प्रखंड के महुआ टांड गांव निवासी बच्चू महतो और गुल्ली महतो अपने बाइक से बकरी को लेकर बद्दीहा से महुआ टांड जा रहा था। इसी दौरान कोरम राहा मोड़ के पास एक तेज रफ्तार मारुति कार ने उनकी बाइक को सामने से टक्कर मार दी। घटना में मौके पर ही बच्चू महतो की मौत हो गई, वहीं बाइक पर सवार गुल्ली महतो गंभीर रूप से घायल हो गए। प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो मारुति की रफ्तार इतनी तेज थी कि बाइक को टक्कर मारने के बाद वह सड़क से उतरकर काफी दूर तक खेत में जा लुढ़की और खेत के मेड़ में फंस गया। मारुति कार धनबाद का बताया जा रहा है। घटना के बाद काफी संख्या में आसपास के ग्रामीण घटनास्थल पर पहुंच गए। सूचना मिलते ही स्थानीय थाने की पुलिस भी घटनास्थल पर पहुंच गई और मारुति कार सहित मारुति के चालक को अपने कब्जे में ले लिया और मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। वहीं पुलिस ने हादसे में गंभीर रूप से घायल गुल्ली महतो को इलाज हेतु गिरिडीह भेज दिया है। कोविड 19 के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए जिला प्रशासन के अधिकारियों ने शुक्रवार को धनबाद में फ्लैग मार्च निकाला। फ्लैग मार्च में गिरिडीह डीसी और एसपी मौजूद थे। इस दौरान आम जम्मू से साफ सफाई करने के साथ साथ फेस मास्क, हैंड सैनिटाइजर एवं सामाजिक दूरी का अनुपालन करने की अपील की गई। कोरोना गाइडलाइन का सख्ती से पालन करवाने को लेकर शुक्रवार को गिरिडीह डीसी राहुल कुमार सिन्हा व एसपी अमित रेणु की अगुवाई में धनबाद में फ्लैग मार्च निकाला गया। इस दौरान अधिकारियों ने दुकानदारों समेत आम लोगों से कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करने की अपील की। उपायुक्त ने बताया कि सभी शिक्षण संस्थान को अगले आदेश तक के लिए बंद करा दिया गया है, जबकि दुकानों व प्रतिष्ठानों को रात 8 बजे के बाद बंद रखने का निर्देश दिया गया है। कोरोना प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान गिरिडीह डीसी व एसपी ने धनबाद रेफरल अस्पताल का भी निरीक्षण किया और संदिग्ध पदाधिकारियों को कई आवश्यक निर्देश दिए। फ्लैग मार्च में खोरी महुआ एसडीएम, एसडीपीओ समेत कई पदाधिकारी मौजूद थे। कोरोना से बढ़ते संक्रमण के लिए सरकारी निर्देश का पालन करना अत्यधिक आवश्यक हो गया है। जैसा कि विदित है कि रात्रि 8 बजे के बाद सभी प्रतिष्ठानों को बंद करने का निर्देश है। सभी स्कूल, कॉलेजेस, जिम, स्विमिंग पूल को बंद करने का निर्देश है। पूरे जिले में धारा 144 लागू है। कहीं पे भी अनावश्यक भीड़ करने पर पाबंदी है। किसी भी तरह के जुलूस, धरना, प्रदर्शन, राजनीतिक कार्यक्रम, धार्मिक कार्यक्रम की मनाही है। अभी सभी लोगों के लिए भी यही अच्छा रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा वो घर पर ही रहें, अनावश्यक बाहर नहीं निकलें। बहुत ज़्यादा आवश्यकता हो तभी घर से बाहर निकलें, लेकिन अगर बाहर निकल ही रहे हैं तो जितने भी सुविधा के उपाय हैं उनका पालन करें। मास्क पहनें, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, ग्लव्स, सैनिटाइजर इत्यादि का प्रयोग करें। सभी सरकारी अस्पतालों में बेड्स और ऑक्सीजन की व्यवस्था कराई जा रही है। ऑक्सीजन तीनों फॉर्म में अवेलेबल हो रहा है, ऑक्सीजन सिलेंडर, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर और पाइपलाइन ऑक्सीजन सप्लाई। अभी अगर कोई भी सिम्टम वाले पेशेंट आएंगे तो सबसे पहले हमको उनको ऑक्सीजन की ट्रीटमेंट उपलब्ध करानी है ताकि उनका ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल बढ़कर ज़्यादा आ जाए। जिनमें सिम्टम्स नहीं हैं वह सब आइसोलेशन में रह सकते हैं, मिलना जुलना अवॉइड करें। बाहर से अगर आप आए हुए हैं तो आवश्यक रूप से आप अपनी टेस्टिंग करा लें और यही कोशिश करें कि इस कोरोना वाले संक्रमण पीरियड में खुद भी सुरक्षित रहें। कोरोना के बढ़ते प्रसार को देखते हुए जिला प्रशासन काफी गंभीर है। शुक्रवार को गिरिडीह उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा और पुलिस अधीक्षक अमित रेणु जमुआ प्रखंड पहुंचे। यहां उन्होंने क्षेत्र भ्रमण कर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इसके बाद जमुआ रेफरल अस्पताल पहुंचकर व्यवस्था का जायजा लिया। कोरोना के बढ़ते वेव को कम करने के लिए जिला प्रशासन लगातार प्रयासरत है। राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुपालन में प्रशासनिक महकमा दिन रात मुस्तैदी से डटा हुआ है। शुक्रवार को जिले के उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा, एसपी अमित रेणु समेत अन्य कई प्रशासनिक अधिकारी व पुलिस पदाधिकारी जमुआ पहुंचे। इस दौरान प्रखंड के हीरोडी, कोदंबरी समेत जमुआ प्रखंड के प्रमुख चौक चौराहों पर घूम घूम कर अधिकारियों ने लोगों से सतर्कता व सावधानी बरतने की अपील की। इस दौरान अनाउंसमेंट कर लोगों को जागरूक किया गया। इसके बाद उपायुक्त व एसपी जमुआ रेफरल अस्पताल पहुंचे और निरीक्षण कर जरूरी दिशा निर्देश दिए। मौके पर जमुआ बीडीओ व सीओ के अलावे जमुआ थाना प्रभारी, हीरोडी थाना प्रभारी और जमुआ सर्कल इंस्पेक्टर मौजूद थे। रैंप
वैश्विक महामारी कोरोना से बचाव को लेकर संकट के इस घड़ी में सुभाष पब्लिक स्कूल ने शुक्रवार को जिला प्रशासन को 2000 पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट पीपी किट उपलब्ध कराया। मौके पर डीसी एसपी समेत कई प्रशासनिक अधिकारी मौजूद थे। वैश्विक महामारी कोरोना से बचाव के लिए गिरिडीह जिले में पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। संकट के इस घड़ी में पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट किट की उपयोगिता बढ़ गई है, जिसके कारण सरकारी व प्राइवेट अस्पतालों में डॉक्टर व कर्मी खुद को संक्रमण से बचाने के लिए पीपीई किट पहनकर काम करते देखे जा रहे हैं। यहां कोरोना वायरस से संक्रमितों के इलाज के दौरान चिकित्सकों व कर्मियों के लिए सुविधा मुहैया कराने में जिला प्रशासन सजग है। कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों से सुरक्षा के लिए चिकित्सक सहित जाँच से जुड़े लोगों की सुरक्षा के लिए उन्हें पीपीई किट उपलब्ध कराया जा रहा है। इसी कड़ी में सिविल सोसाइटी के सदस्य सुभाष पब्लिक स्कूल के निर्देशक संजय उर्फ गुड्डू सिंह ने 2000 पीपीई किट जिला प्रशासन को सौंपा। इस मौके पर समाहरणालय परिसर में डीसी राहुल कुमार सिन्हा और एसपी अमित रेणु मौजूद थे। संजय सिंह ने बताया कि सिविल सोसाइटी से जिला प्रशासन ने अनुरोध किया था कि वैश्विक महामारी को रोकने के लिए उससे जुड़ी सामग्री की जरूरत है, जो जिला प्रशासन के पास काफी कम मात्रा में है। जिला प्रशासन के निर्देश पर आज सुभाष पब्लिक स्कूल के तरफ से 2000 पीपीई किट उपलब्ध कराया गया है। जरूरत पड़ने पर अन्य सामग्री भी उपलब्ध कराया जाएगा। बताया जाता है कि पीपीई किट कोरोना के खतरे को फैलने से कम करता है, क्योंकि इस किट में सिर से पैर तक कैप, फेस प्रोटेक्टर, इनर व ओवर गाउन, ग्लव्स, शू पैक आदि की सुविधा उपलब्ध होती है। इससे संक्रमित लोगों की क्वारंटीन सेंटर या आइसोलेशन वार्ड में देखरेख करने वाला संक्रमित होने से बचकर उनकी सेवा करने के दौरान कोई खतरा महसूस नहीं करता है। सोसाइटी के सदस्यों के द्वारा लगातार कोरोना महामारी से जारी जंग में सरकार तथा जिला प्रशासन की मदद की जा रही है। बीते वर्ष भी हर मोर्चे पर सिविल सोसाइटी के सभी सम्मानित सदस्यगणों ने भरपूर मात्रा में कोरोना से निपटने के लिए सामग्रियां चाहे पीपी किट हो, सैनिटाइजर हो, फेस मास्क हो, ग्लव्स हो, बेड्स हो उपलब्ध कराए थे। पुनः आज उनकी ज़रूरत आन पड़ी है। मुझे बड़ी खुशी है कि समाज के सभी सम्मानित लोग सिविल सोसाइटी के सदस्यगण उस हेतु आगे आ रहे हैं। हम लोग को आरटीपीसीआर किट आज सुभाष पब्लिक स्कूल के डायरेक्टर द्वारा उपलब्ध कराया गया है। हमारी यही अपेक्षा अन्य सदस्यों से भी रहेगी कि बढ़ चढ़ कर प्रशासन की तथा सरकार की इस मामले में मदद करें। हमें भी आरटीपीसीआर किट, फेस मास्क, ग्लव्स, सैनिटाइजर्स इत्यादि की आवश्यकता पड़ सकती है, और मुझे पूरा भरोसा है कि हम सभी लोग, सारे स्टेक होल्डर्स एक साथ अगर मिल जाएंगे तो बड़े आसानी से इस कोरोना संक्रमण को मार दे सकते हैं। सुभाष पब्लिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की तरफ से उपायुक्त महोदय के निर्देश पर हमने आरटीपीसीआर किट 2000 सर को सपोर्ट किया है, और मैं सर को ये भी आग्रह किया कि सर और भी किसी भी तरह का मास्क, सैनिटाइजर और कोई भी चीज़ हो, और भी अगर आरटीपीसीआर किट की दरकार पड़े तो सुभाष पब्लिक स्कूल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन जो है आपके लिए हर संभव खड़ा रहेगा, और इस घड़ी में हमेशा 24 घंटा आपके जिला प्रशासन के साथ। बीएनएसडीएवी पब्लिक स्कूल में शुक्रवार को ऑनलाइन इंग्लिश राइम्स प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में नन्हे नैनीहालू की आकर्षक प्रस्तुति, उच्चारण तथा भावानुकूल कविता वाचन से निर्णायक मंडली का मन मोह लिया। प्रतिभागियों ने नर्सरी से लेकर कक्षा 2 के बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। बीएनएसडीएवी पब्लिक स्कूल में ऑनलाइन राइम्स प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें नर्सरी से लेकर कक्षा 2 के बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। प्रतियोगिता में अभिनय के साथ कविता की प्रस्तुति देखने लायक थी। प्रतियोगिता कक्षावार आयोजित की गई थी। नन्हे नैनीहालों की आकर्षक प्रस्तुति, उच्चारण तथा भावानुकूल कविता वाचन को ध्यान में रखकर निर्णायक मंडली ने नर्सरी कक्षा में अभिजय और योगनेश को प्रथम, अदृश्या और जिया को द्वितीय तथा ईशानवी को तृतीय, और एलकेजी के मौलिक प्रथम, अतुल्य स्वरूप एवं सोनाक्षी सिंह द्वितीय, सानवी और रोशन राज तृतीय, तथा कक्षा यूकेजी के राजवीर सिंह प्रथम, तान्या रोशन द्वितीय और आर्य कुमारी तृतीय स्थान पर रहे। वहीं कक्षा 1 की आर्यन विश्वकर्मा प्रथम, आद्या शर्मा द्वितीय, मयंक वर्मा तृतीय, और कक्षा में 2 आलो साहा प्रथम, सत्यम कुमार द्वितीय, अदिति कुमारी तृतीय स्थान पर रहे। इसी श्रृंखला में कक्षा 5 के छात्र छात्राओं ने झारखंड के प्रमुख त्योहार सरहुल को केंद्र में रखकर कुछ छात्रों ने उसके महत्व को परिधानों के माध्यम से रेखांकित करने का प्रयास किया।
तो कुछ विद्यार्थियों ने छोटे छोटे भाषणों के रूप में सरहुल के महत्व को समझाने का प्रयास किया। क्षेत्रीय निदेशक सह प्राचार्य डीएवी पब्लिक स्कूल झारखंड जोन एच डॉक्टर पी हाजरा ने कहा कि प्रतियोगिताएं बच्चों में प्रतिस्पर्धा की भावना को पैदा करती है और सृजनात्मकता के विकास में सहायक सिद्ध होती है। वैश्विक महामारी कोरोना की दूसरी लहर के बीच गिरिडीह के लोक आस्था का 4 दिवसीय महापर्व शुरू हो गया है। सूर्य उपासना के इस पवित्र 4 दिवसीय महापर्व के पहले दिन शुक्रवार को नहाए खाए के साथ संपन्न हुआ। आज के दिन नदी तालाबों या घर पर स्नान करने के बाद शुद्ध घी में बना भोजन ग्रहण कर इस व्रत की शुरुआत करते हैं। वैश्विक महामारी कोरोना की दूसरी लहर के बीच गिरिडीह में लोक आस्था का 4 दिवसीय महापर्व शुरू हो गया है। इस साल चैती छठ में श्रद्धालुओं में उत्साह भरा माहौल नहीं दिख रहा है। कोरोना वायरस के संक्रमण से बचने के लिए कई व्रतियों ने छठ व्रत करना रद्द कर दिया है। हालांकि कुछ लोग अपने घर पर ही रहकर चैती छठ मना रहे हैं। गिरिडीह में लगातार कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए इस वर्ष भी प्रशासन ने छठ घाट व तालाबों में छठ अर्घ नहीं देने की हिदायत छठ व्रतियों को दी है। प्रशासन ने लोगों से घर पर ही छठ व्रत मनाने की अपील की है। बताया जाता है कि चैती छठ के पहले दिन व्रती नहाए खाए के संकल्प के तहत स्नान करने के बाद अरवा भोजन ग्रहण कर इस व्रत को शुरू करती हैं। महापर्व के दूसरे दिन श्रद्धालु पूरे दिन बिना जल ग्रहण किए उपवास रखने के बाद सूर्यास्त होने पर पूजा करते हैं और उसके बाद एक बार ही दूध और गुड़ से बनी खीर खाते हैं तथा जब तक चांद नजर आए तब तक पानी पीते हैं। इसके बाद उनका करीब 36 घंटे का निर्जला व्रत शुरू होता है। इस महापर्व के तीसरे दिन व्रतधारी अस्ताचलगामी सूर्य को नदी और तालाब में खड़े होकर प्रथम अर्घ अर्पित करते हैं। व्रतधारी डूबते हुए सूर्य को फल और पकवान से अर्घ अर्पित करते हैं। महापर्व के चौथे और अंतिम दिन फिर से नदियों और तालाबों में व्रतधारी उदयमान सूर्य को दूसरा अर्घ्य देते हैं। भगवान भास्कर को दूसरा अर्घ्य अर्पित करने के बाद ही श्रद्धालुओं का 36 घंटे का निर्जला व्रत समाप्त होता है। माँ का निवेदन करते हैं जो कोरोना हटावे और कोरोना के चलते में तो बहुत दिक्कत में है और हम लोग छठ पर्व बहुत उत्तम बहुत खुशी पर्व सरकारी पर्व है हम लोग का तो कर रहे हैं और इससे हम लोग का बहुत फायदा है लाभ भी है बहुत सब चीज़ का मालिक ही है। और क्या इसमें पहला में नहा खाना है दूसरा में खरना है तीसरा में पारण चौथा तीसरा में पारण पहला अर्घ है और चौथा में पारण है। गिरिडीह जिला तैलीग साहू सभा के द्वारा शुक्रवार को शहर के हुट्टी बाजार स्थित साहू समाज भवन में कोविड-19 को लेकर टीकाकरण कैंप लगाया गया। कैंप में 138 लोगों को टीकाकरण दिया गया। मौके पर समाज के कई प्रबुद्ध लोग उपस्थित थे। गिरिडीह जिला तैलीग साहू सभा के द्वारा शुक्रवार को हुट्टी बाजार स्थित साहू समाज भवन में कोविड-19 का टीकाकरण कैंप लगाया गया। कैंप में लगभग 138 लोगों का टीकाकरण किया गया। कैंप में सबसे बड़ी बात यह रही कि 100 से अधिक उम्र की एक महिला का भी टीकाकरण किया गया।
कार्यक्रम की जानकारी देते हुए संगठन के जिला अध्यक्ष बाल गोविंद साहू ने कहा कि कोविड महामारी को देखते हुए निःशुल्क टीकाकरण कैंप लगाया गया। उन्होंने लोगों से अपील किया कि निर्भीक होकर लोग कोविड 19 वैक्सीन लें। महासचिव धर्म प्रकाश ने कहा कि कोविड 19 को देखते हुए लोग हमेशा मास्क का प्रयोग करें तथा बिना जरूरी काम घर से ना निकले, तभी कोविड 19 के चेन को तोड़ पाएंगे और हम अपने आप को तथा समाज को कोविड से बचा पाएंगे। प्रोग्राम को कोऑर्डिनेटर तथा जिला संयुक्त सचिव प्रोफेसर मुकेश कुमार साहा ने कहा कि आज सदर अस्पताल के सहयोग से यह कैंप लगाया गया है तथा आगे भी इस तरह का कैंप लगाया जाएगा। कार्यक्रम को सफल बनाने में जिला उपाध्यक्ष हरगौरी साहू, वरीय उपाध्यक्ष सुखदेव प्रसाद साहू, नगर अध्यक्ष सत्यप्रकाश साहा, नगर सचिव मनीष गुप्ता, शशिभूषण प्रसाद, सीताराम साहू, देवराज, विकास गुप्ता, श्याम सुंदर गुप्ता, निरंजन कुमार साहू सहित कई लोगों का सराहनीय योगदान रहा। सदर अस्पताल के ANM श्रीमती सुमन भारती और मंजू कुमारी तथा सहयद अनीता देवी एवं आशीष और रोहित शर्मा ने इस कैंप को सफल बनाने में अपना अहम योगदान दिया। वैश्विक महामारी कोविड 19 के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए गिरिडीह जिला तहसील साहू सभा ने निर्णय लिया कि साहू समाज भवन में एक टीकाकरण कैंप का आयोजन किया जाए ताकि अधिक से अधिक लोग लाभान्वित हो सके। इसी कड़ी में हमारा शिष्टमंडल सिविल सर्जन से बात किए, सिविल सर्जन ने यहाँ भर दी और उनके सौजन्य से आज यहाँ टीकाकरण कैंप चल रहा है। काफ़ी संख्या में लोग आकर के टीकाकरण का लाभ ले रहे हैं और टीकाकरण का कार्यक्रम कोविड 19 के नियमों का पालन करते हुए किया जा रहा है और मैं लोगों से अपील करता हूँ कि अधिक से अधिक संख्या में आवें और टीका लें और इसका लाभ उठावें। धन्यवाद। दैलिक साहू सभा की ओर से साहू सभा भवन मोटी बाजार गिरिडीह में कोविड वैक्सीनेशन कैंप लगाया गया है। यह कैंप सदर हॉस्पिटल के सहयोग से लगा है। अभी तक कैंप में 75 से अधिक लोगों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है। उम्मीद किया जा रहा है कि लगभग 300 लोगों का आज वैक्सीनेशन यहां किया जाएगा। सबसे बड़ी बात है कि 100 से अधिक उम्र के दो लोगों का भी वैक्सीनेशन यहाँ हुआ है। ये हमारे लिए खुशी की बात है, गर्व की बात है कि बुजुर्ग महिलाएं और बुजुर्ग लोग भी वैक्सीनेशन के महत्व को समझने लगे हैं। हम अपने समाज की ओर से गिरिडीह वासियों से अपील करते हैं कि कोविड महामारी को देखते हुए जहाँ भी संभव हो सके कोविड वैक्सीन ज़रूर लें, कम से कम घर से निकलें, मास्क का धारण करें और लोगों से 2 गज की दूरी बना के रखें, तभी हम कोविड महामारी को परास्त कर सकते हैं। हिरोडी थाना क्षेत्र के कई स्थानों पर मास्क चेकिंग अभियान चलाया गया। मास्क चेकिंग के दौरान लोगों से कोरोना गाइडलाइन का सख्ती से अनुपालन करने का निर्देश दिया गया। कोरोना संक्रमण के रोकथाम को लेकर सरकार व जिला प्रशासन के द्वारा जारी निर्देशों का पालन कराने के लिए हिरोडी पुलिस के द्वारा लगातार मास्क चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के दूसरे दिन शुक्रवार को कोदम्बरी में सघन मास्क चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसमें मोटरसाइकिल, बस व ऑटो में मास्क चेकिंग किया गया। अभियान का नेतृत्व थाना प्रभारी राधेश्याम पांडे कर रहे थे। इस दौरान फल दुकान, राशन दुकान, सब्जी दुकान में सामाजिक दूरी के पालन करने को लेकर रेखा भी खिंचवाई गई। मौके पर कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करने की अपील की गई। कहा गया कि सरकार के निर्देश की अवहेलना करते पकड़े जाने पर कार्रवाई की जाएगी। मौके पर SI ओम प्रकाश सिंह, शैलेंद्र सिंह सहित पुलिस जवान मौजूद। बेंगाबाद थाना परिसर में शुक्रवार को रामनवमी और रमजान को लेकर शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में कोरोना गाइडलाइन का सख्ती से पालन करने का निर्णय लिया गया। बैठक में किसी भी तरह का प्रोसेशन और भीड़ नहीं लगाने का निर्देश दिया गया। रामनवमी और रमजान को लेकर गुरुवार को बेंगाबाद थाना परिसर में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई।
बैठक में दोनों समुदाय के लोगों सहित कई जनप्रतिनिधि मौजूद थे। बैठक की अध्यक्षता करते हुए बेंगाबाद थाना प्रभारी ने झारखंड में लगातार बढ़ते हुए कोरोना संक्रमण को देखते हुए शांतिपूर्ण माहौल और भीड़ भाड़ न करते हुए त्यौहार मनाने की अपील की है। बैठक में कहा गया कि कोरोना को देखते हुए किसी प्रकार का जुलूस, मेला एवं पूजा पंडाल पर रोक लगाया गया है। इसके अलावे मुस्लिम कमेटियों को सख्त हिदायत दी गई है कि रमजान का नमाज घर में ही पढ़कर राज्य सरकार की कोरोना गाइडलाइंस का सख्ती से पालन करेंगे। वहीं बैठक में लोगों से जरूरी न होने पर घरों से नहीं निकलने की भी अपील की गई है। बैठक में कोरोना नियमों का पालन करते हुए लोग दूरी बनाकर बैठे नजर आए। आज मुख्य रूप से बेंगाबाद में जितने भी रामनवमी अखाड़ा के जो लाइसेंस होल्डर हैं और जितने भी बेंगाबाद थाना अंतर्गत पड़ने वाली मदरसा और मस्जिद के सदर हुए, सचिव हुए, उन लोगों के साथ संयुक्त रूप से बैठक की गई, जिसमें कोविड 19 का जो गाइडलाइन है उनको अनुपालन करने के लिए और अनुपालन कराने के लिए हम लोग विशेष रूप से मीटिंग आज बुलाई गई है, जिसमें स्पष्ट कहा गया है कि मस्जिद में सांकेतिक रूप से नमाज अदा करेंगे। नमाज कहीं भी अदा हो सकता है ना, अनावश्यक रूप से भीड़ नहीं लगाएंगे और खासकर रामनवमी का जुलूस जो आने, रामनवमी का पर्व जुलूस निकलने वाले थे, लोगों को अखाड़ा वालों से अनुरोध किया गया है कि जुलूस किसी भी कंडीशन में जुलूस नहीं निकलेगी। यह स्पष्ट रूप से इन लोगों को निर्देशित किया गया है और अनुरोध किया गया है कि इनका अनुपालन करना और कराना आप लोगों का जिम्मेवारी बनती है। आज थाना परिसर में अंजुमन कमेटी के सदस्यों और रामनवमी में जो लाइसेंसी और गैर लाइसेंसी अखाड़े वाले हैं उनके सचिव अध्यक्ष को बैठक में बुलाया गया था। इस बैठक में जो कोरोना का दूसरी लहर बड़ी तेज़ी से फैल रहा है उसको रोकथाम के लिए सरकार का जो दिशा निर्देश है, गाइडलाइन है, नियम है, उसे पालन करने के लिए उन्हें बताया गया है, इसलिए बुलाया गया था। इसके तहत आगामी रमजान में मस्जिदों में भीड़ भाड़ ना हो, लोग घरों में रहकर अपना इबादत करें, ये बातें बताई गई। साथ ही जो दूसरा त्यौहार है हम लोग का रामनवमी का, उसमें जुलूस को लेकर के जैसे थाना प्रभारी ने बताया कि पूरी तरह से निषेध किया गया है, लोग अपने सांकेतिक रूप से पूजा अर्चना करें और भीड़ भाड़ इलाकों में न जाएं। आपके चैनल के माध्यम से मैं ये भी कहूँगा कि लोग टीवी अखबार देखते रहते हैं, सब जान रहे हैं कि कोरोना कितनी घातक हो गया है, काफ़ी तेज़ी से फैलाव हो रहा है, इसलिए अपना बचाव बहुत ज़रूरी है। मास्क हर हालत पहने, सोशल जो डिस्टेंसिंग उसका पालन करें, भीड़ भाड़ इलाकों में न जाएं, घरों में अपना सुरक्षित रहें, कोरोना से घबराएं नहीं, लेकिन इनके जो नियम कानून हैं, जो नुस्खे हैं, उसका एक तो ज़रूर पालन करें। साथ ही इसका जो उल्लंघन करेगा उस पर पुलिस प्रशासन जो है IPC की धारा और जो राज्य सरकार के असर से राज्य आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत जो कानून बनाया गया उसके तहत कठोर कार्रवाई किया जाएगा। लेकिन ये अपील है कि सब जागरूक रहें और कोरोना में लड़ाई में अपना सहयोग दें और उसका जो कानून बना है, नियम कानून है, उसका पालन अवश्य करें। आज का यह अंक आपको कैसा लगा? आप अपने सुझाव व राय इस नंबर पर दे सकते हैं। साथ ही ताजा तरीन खबरों के लिए आप न्यूज9 के वेबसाइट, फेसबुक, ट्विटर पोर्टल व इंस्टाग्राम को फॉलो कर सकते हैं। अब दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।